ये कहानी मॉनसून की है। मॉनसून यहाँ जिस समस्या के लिए आया था वो तो भगवान की दया से ठीक हो गई थी और मॉनसून को घर भी मिल गया था, पर बीच में उसका मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ। मॉनसून को गोकुल बुटेल जी ने पालमपुर में देखा। अब गोकुल जी खुद भी एनिमल रेस्क्यू करते रहते हैं और जो अपने आसपास के कुत्ते हैं उनका वो काफी हद तक इलाज कर लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने मॉनसून को देखा तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी और उसकी हड्डियां इतनी निकली हुई थी कि उनको लगा कि इसको ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, तो वो उसको यहाँ ले आए। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इसको मेंज है, तो हमने उसको मेडिकेटेड बाथ देना शुरू कर दिया। अब मेंज के कारण कई बारी सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो साथ ही साथ हम उसको एप्पल साइडर विनेगर लगाते रहे जिससे इन्फेक्शन कम हो जाता है, और नारियल का तेल भी जिससे त्वचा को आराम मिलता है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आना शुरू हो गया, उसकी सेहत भी बेहतर हो गई और कई कई जगह उसके बाल भी वापस आना शुरू हो गए। अब एक तो ये आया भी मॉनसून के महीने में था और दूसरा इसकी त्वचा भी अब ऐसी दिखती थी जैसे बारिशों के महीने में आसमान दिखता है, तो हमने इसका नाम मॉनसून रखा। जैसे जैसे इसकी हालत सुधरने लगी इसका व्यक्तित्व भी थोड़ा खुलने लगा। ये और कुत्ते बिल्लियों के साथ मिलने जुलने लगा। शाइनी के साथ इसने रोज वॉक पे भी जाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ना सिर्फ इसकी त्वचा पर व्यक्तित्व इतना बदल गया कि कई लोग तो अब इसको पहचान भी नहीं पाते थे। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मॉनसून की हालत भी बिल्कुल सुधर गई थी और हमें उसके लिए शिकागो में घर भी मिल गया। हम बस उसकी फ्लाइट के लिए फंड रेज कर रहे थे और इसी दौरान उसकी किसी कुत्ते से झड़प हो गई। इस झड़प में उसकी आंख में चोट लग गई और इसी चोट की वजह से एक इन्फेक्शन हो गया, जो इन्फेक्शन एक अल्सर में तब्दील हो गया। अब फिर से मॉनसून का एक अलग चीज के लिए इलाज चला। एक महीने तक बेचारे मॉनसून को कोन पहनना पड़ा। अब होता क्या है, रेस्क्यूज में शेल्टर्स में जगह कम होती है और जानवर ज्यादा होते हैं, तो बहुत बार इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लॉकडाउन के दौरान ही जब बड़ा परिवार एक छोटे से घर में कैद था तो आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। अब ये तो एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे यहाँ तो जानवर हर जगह से आते हैं। अब मॉनसून लगभग ठीक हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है उनके घर चला जाएगा। पर नवंबर में जब इसकी मेंज ठीक हो गई थी और ये सिर्फ जाने का इंतजार कर रहा था, अगर किसी ने इसको फॉस्टर कर लिया होता, यानी कि सिर्फ कुछ समय के लिए अपने पास रख लिया होता, तो एक इसकी तकलीफ बच जाती और पिछले दो महीने में हमने जिन केसेस को मना किया शायद हम उसमें से कुछ केसेस को ला पाते, क्योंकि हमारे पास एक और जगह खाली होती। अब जब मैंने रेस्क्यूज करने शुरू किए थे, मैं दिल्ली में रजौरी गार्डन रहता था, वहाँ पे संजय गांधी करके एक एनिमल हॉस्पिटल है और मुझे लगता था कि भाई घायल जानवर को वहाँ पहुँचाया और मेरी ड्यूटी खत्म। पर अब मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। संजय गांधी अस्पताल को, पीपल फार्म को और हमारे जैसी और जगहों को चलने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। तो अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप फॉस्टर करिए, पूरी ना सही तो जितनी हो सके थोड़ी मदद जरूर करिए।